जय हिंद। आज का सेशन जेकेएसएसबी के लिए एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएचएसएल, आरआईएमसी, आरएमएस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेशन है। ठीक है, मुझे देखो, उसको मत देखो। देखो पहला क्वेश्चन ये आपने नाइन्थ में क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, हिमालयस जो है एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया की जो हाईएस्ट हिमालयन पीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर देखिए। आप सबको ये क्वेश्चन आता है और नए जो बच्चे जिनको नहीं पता वो भी देखिए। ठीक है, हिमालय हाईएस्ट पीक हिमालय की माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी मानी से, मानी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। मुझे पता था हिमालय, आप दोनों में अंतर देखो, मुस्कान तू भी देख कर लिया जी। और ये है हिमाद्री, इसको कहते हैं नाइन्थ में पढ़ा। ठीक है, आप जो भारत की हाईएस्ट पीक है ना वो हिमालयन पीक नहीं है, हिमालय में लाइन नहीं करती है केटू। केटू कहाँ लाई करती है? कराकरम के नंगा पर्वत पे। कहाँ पे? नंगा पर्वत। ठीक है, ये जो नंगा पर्वत है पीओके में है, कागज हमारे पास है, इसलिए हम क्या लिखते हैं हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कौन सी है? केटू। इसी केटू को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन। ये डन हो गया, डाउट क्लियर हो गया इसमें से। आप इंडिया की हिमालयन हाईएस्ट पीक पूछी जाए। ठीक है, अगर सीधा पूछोगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया फिर आप लिख सकते हो ये। अगर पूछा आ जाएगा हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम इंडिया की, कौन सी है ये? हिमालय की। अगर पूछा जाएगा हिमालयन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है, ये है कंचना। देखी होगी सबने कंचन, सारे पार देखे, ये कंचन युंगा। ठीक है, ये कहाँ की है? सिक्किम। ठीक है, समझ आ गया अंतर, यहाँ पे पता चल गया दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन। क्लियर, डाउट क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे आंसर गलत लिखा। ठीक है, जो केटू है वो कराकोरम की हाईएस्ट पीक है, और वही केटू जो कराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है? पीओके में। कहाँ पे है? पीओके। जेएनके के राजा ने 75,000 में ब्रिटिशर से कश्मीर लिया था। केटू जो है, केटू कंचनजंगा का सेकंड लॉन्गेस्ट। कंचनजंगा वर्ल्ड का केटू है, चेक कर देते मुझे क्या ठीक है। आप देखो पहला क्वेश्चन, हिमालय की कितनी पैलर रेंजेस होती है, देखो। ठीक है, हिमालय की तीन पैलर रेंजेस होती है, कहा देखो पैलर लॉन्गिट्यूड चलती है। क्या चलती है? लॉन्गिट्यूडनल, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल पैलर। अब आप बोलोगे ये तो लैटिट्यूड दिख रहा है, बट नहीं भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल पैलर रेंजेस है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल पैलर रेंजेस हैं। इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, ये मूव करती है वेस्ट से ईस्ट। कहाँ? वेस्ट से ईस्ट। यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे पीछे ले लद्दाख, इसके नीचे नहीं जा रही भाई हिमालय। इसका मतलब यहाँ पाकिस्तान में नहीं जा रही, नीचे सिंध में नहीं आ रही है, नीचे अरेबियन सी में नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है आपको? ये कहाँ से जा रही है? वेस्ट से ईस्ट। ईस्ट कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहली वाली हिमाद्री, इसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, दूसरी मिडल हिमालय। क्या हिमालय भाई? हिमालय की रेंजेस है हिमालय। ठीक है, मिडल हिमालय और लास्ट वाली जिसको शिवालिक,
और ये जो शिवालिक रेंजेस है इसको उत्तर हिमालय कहते हैं। मिडिल हिमालय को क्या कहेंगे? मानित मिडिल हिमालय को क्या कहेंगे? हिमाचल, ठीक है, हिमाचल क्या कहेंगे? देखो ये समझ आ रहा है, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, क्या ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय हिमाचल, ठीक है, और शिवालिक जो है उत्तर हिमालय। हम जो जेएनके में यहाँ पे ये पहाड़ हमेशा कवर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ट्रीज मिलेंगे वो कैसे होते हैं? नीडर शेप, ठीक है, कॉनिकल शेप होते हैं। मिडिल हिमालय में कभी बर्फ हमेशा नहीं रहती, उत्तर हिमालय में कभी कभार पड़ती रहती है, शिवालिक में पड़ती रहती है। अब देखो मैंने जो लास्ट सेक्शन, अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आज आपको इतना समझना है, हिमालय की तीन पैरल रेंजेस हैं, मैं आपको एक ही करके याद करवाऊंगी, अगर मैं आपको एक साथ सारा दे दूंगी ना आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी की शुरू, ठीक है, हिमालय की हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, थ्री लॉन्गिट्यूडनल पैरल रेंजेस है हिमालय की, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय मिडिल, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हर हाल में आपको एनडीए में आता है, ये आएगा कोरल रीफ आएगा, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक साल छोड़ के इसके ही इसी चैप्टर में से नाइन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्रोलिस फोर्स ये भी आता है, ये बड़ी बात, बाबर दो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। देखो शिवालिक उत्तर हिमालय मिडिल हिमाचल और ये, और याद रखिए हिमालय जो है वेस्ट टू ईस्ट, याद अगर फोन कल से निकला ना देखना नहीं। अब हिमालय को हम फोर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, कितने सेक्शंस में? फोर। पंजाब हिमालय देखिए ये क्वेश्चन बड़ी मारा था, पंजाब हिमालय लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स, इंदस और सतलुज, इंदस मेंशन इन ऋग्वेद, सतलुज आल्सो मेंशन इन वेदिक, अंकुश सतलुज को ऋग्वेद में किस नदी के नाम से जाना जाता है? आदित्य I don't know man. I also don't know. रोहिणी और कोई भाई? इजाज शुतु धरी क्या बोलते हैं? देखो यही है, ये नहीं है, ये नहीं है तो इसको कुछ हो रहे याद नहीं आ रहा, चलो रखते हैं, ठीक है। इंदस को सिंधु, ठीक है, ऋग्वेदा में ये दोनों नदियां क्या है? मेंशन है, दे आर 10 रिवर्स इन ऋग्वेदा और उसमें से इंदस और सतलुज भी है, ऋग्वेदा से भी क्वेश्चन रहता है और इन नदियों से भी रहता है। अब पता मुझे, लेट्स क्लियर हिम डाउट, ठीक है, सतलुज को शुतुधरी कहते हैं। अगर आपने महाभारत पुराणों के कोई स्पिरिचुअल सीरीज आते हैं yes, तो उनमें इन नदियों को इन्हीं नाम से बुलाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कभी दोबारा से रामायण देखें महाभारत देखें तो आप लोग ये क्या है इनको देखना, इन्हीं नाम से वहां बोला जाएगा, आपको नदियां समझ आएंगी। विक्की विक्की नहीं शिव कैप्चरिंग समवन एल्स नहीं लग रहा है, दोस्त बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुमाऊं हिमालय, कौन सा कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है? उत्तराखंड में, कहाँ पे है? यहाँ पे सतलुज और काली नदी बहती है, ये भी कहाँ पे है? काली नदी का हमारा लड़ाई है नेपाल के साथ, अब नेपाल ने अपने जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है उसमें काली नदी को अपना पार्ट बताया, ठीक है। नेपाल हिमालय काली एंड टिस्टा, नेपाल हिमालय में दो नदियां बहती है, कौन सी? टिस्टा एंड काली, ये 2021 या 22 एनडीए क्वेश्चन है। नेपाल हिमालय लाइन बिटवीन विच टू रिवर्स, ठीक है, ये मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन देती हूँ। अभी सीएचएसएल भी आने वाला है, सीजीएल भी आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके निकलते जाएंगे, ठीक है।
SI, SSC, GD, सब इंस्पेक्टर, ये सब में क्वेश्चन है, ठीक है। असम हिमालय जो है, ईस्टर्न हिमालय, अभी हमने पढ़ा ये कौन सा हिमालय है, हिमालय कहाँ मूव कर रहा है, तो असम हिमालय कौन सा हो गया, ईस्टर्न हिमालय। ये तिस्ता और दिबांग नदी के अंदर, कई जगह दिबांग नदी दिहांग भी लिखा होता है, दिहांग का स्पेलिंग यही लिखते हैं DIHANG, ठीक है, दिहांग। हाँ देखो, जो नए बच्चे हैं वो देखिए, ब्रह्मपुत्रा को देखिए, ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से, कोई हिल रहा बच्चा, मानसरोवर से, कहां से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर से, जहां से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है उसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, ये एनडीए में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको कहां पे, तिब्बत, तिब्बत फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लाशा इसकी कैपिटल है, ये भी चाइना ऑक्यूपाइड, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है, ठीक है। अब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग के नाम से जानी, कहां एंटर करती है, इंडिया में सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर इसके बाद ये एंटर करती है असम में, कहां पे, असम में। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में ब्रह्मपुत्र रहता है, आप कोई भी पेपर किसी भी एग्जाम को टॉप करके, जिन्होंने दिया भी है उनको भी ब्रह्मपुत्र का कोई ना कोई क्वेश्चन मिला ही होगा, ठीक है। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, सारो ऑफ असम कहा जाता है। और असम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजोली, मजोली जब मैंने अपना पहला सैनिक स्कूल पढ़ाया ना, उसमें 50 क्वेश्चन करवाते थे, सिर्फ जीके जीएस वाले सेशन में 50 थे, ये याद कर दो भाई, 50 आ जाते थे, ठीक है। और उस टाइम के सैनिक स्कूल में 2014-15, ठीक है, 2015 उस टाइम के पेपर में और आज के सैनिक स्कूल के पेपर में सीमा आसमान का, आपने लार्जेस्ट करवाने, लॉन्गेस्ट करवाने, रिवर्स करवाने, ये करवाना, खत्म आपका पेपर डन। बट अब जो अब कहा, आप 10,000 क्वेश्चन भी कर लो, आपको 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आएंगे नहीं। गाँव के लोगों को तो खुंटी पता है, खुंटी क्या वर्ड है, गाँव के लोग तो जानते हैं खुंटी क्या होता है, ठीक है। अब शहर के लोगों को खुंटी नहीं पता, जो शहर वाले बच्चे हैं उन्होंने खुंटी का क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। इस साल है साइंस स्कूल में खुंटी, झारखंड का ये वर्ड है, कौन से स्टेट से आता है खुंटी, झारखंड में यूज किया जाता है किसी क्रॉप के लिए, ठीक है, आया समझ। अब आपको मैं आपको सारा भी पढ़ा दूंगी, जिसका दिमाग इतना ज्यादा पेपर खाने वाला होगा वो कोई भी इसमें से भी बीच में से क्वेश्चन निकाल के आपको प्रेजेंट कर सकते, ठीक है। अब आपको देखो एनडीए का जो नया पैटर्न है उसमें आपको ऐसे भी दिया होगा पंजाब हिमालय, इनमें से नदियां चेंज की होंगी, ठीक है, आपको ए बी सी डी ऑप्शन भी लिखाने आ सकते, ठीक। ये क्वेश्चन डन सबका, ये पूरी दुनिया का एक ही रिवर आइलैंड बनता है, कौन सी रिवर आइलैंड बनाता है देखो, ब्रह्मपुत्र दुनिया में देखो 5-6 चीजें देखो जो इंडिया में है, एशिया में है, दुनिया में और कहीं नहीं, ठीक है। माउंटेन पीक हाईएस्ट पूरी दुनिया की एशिया में है, ठीक है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। फ्लोटिंग नेशनल पार्क दुनिया में एक ही जगह में है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एक ही जगह में है, वर्ल्ड में कौन सा है, कार्बुल लैम्जो, कार्बुल लैम्जो मणिपुर में है, ठीक है। एशिया की, इंडिया की भी और एशिया की भी फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, ये एशिया में भी यही है और इंडिया में भी यही है, बुल्ला लेक, ठीक है। इसके बाद एशिया का और इंडिया का, ठीक है, हाईएस्ट नेशनल पार्क,
कौन सा है? एमिस नेशनल पार्क, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, ये भी भारत में है। हाईएस्ट बैटल फील्ड, ये भी कौन सी है? भारत में है। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ भारत में है, ठीक है। रीवर आइलैंड, ये भी भारत में है। ठीक है, काइबुल एमजोन मजोली दोनों ही भारत दुनिया के क्या है। और एशिया की और इंडिया की हाईएस्ट ऐसे हाईएस्ट डैम जो है वो चाइना की है। कौन सी है? सी जॉर्ज डैम। बट इंडिया की हाईएस्ट कौन सी है? टेहरी डैम। कौन सी है? टेहरी डैम। इतना ज्यादा लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई है कौन के साथ? कभी नहीं देख रहा, गर्मी लग रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम वाज यूज्ड इन बैटल इन एलिफेंटाइन बैटल। ये क्वेश्चन 2000 रिसेंटली एक एग्जाम में, ये आपको क्लास 4 JKSSB के पेपर में। ये जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ये इक्वेटर है, ठीक है। हम ये लॉन्गी ये लैटिट्यूड इक्वेटर में ये लैटिट्यूड मानते हैं, ठीक है। आप इंडिया तो ऐसे है, ये इंडिया के लॉन्गिट्यूड है, क्या है? ये यहाँ पे इक्वेटर में ये लैटी ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक। ये लैटिट्यूड है, जो लेटे हैं वो लैटिट्यूड, जो खड़े हैं। पहली जो जीता वो सिकंदर मियां भाई, जो जीता वो पौरस था। सिकंदर हाँ, बैटल ऑफ हल्दीगढ़, हल्दी हाइडा पास। यहाँ देखो बैटल ऑफ हाइडा पास झेलम नदी के किनारे हुई। ये राजा मगध का, इसका राजा था मगध का, ठीक है। पहला एलिफेंट यूज किया गया वॉर में, आर्यन कौन सा था? एलिफेंट भाई कौन सा? एलिफेंट नाम होता है, वीडियो में भी देखा है। रमनी मैं तुझे बोल रही, पहली बार एलिफेंट का यूज कौन सी वॉर में यूज? ठीक है। और कौन सा किंगडम? किंगडम था मगधा किंगडम। किंगडम कौन सा था और राजा कौन सा था? ठीक है। किंग फॉर द यूज एलिफेंट अगेंस्ट अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ हाइडर्स पास। और मगध के फाउंडर कौन थे? यहाँ देखो आज मैं पूरा मगध लेके आई, ठीक है। पंकज सर तो पढ़ा ही रहे हैं, आपकी हिस्ट्री चल रही है आपकी, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री हो गई है, होने वाली है, ठीक है। जिसकी नहीं हुई वो जब नया से सुना तो उसमें आती है, ठीक। आप हिलो मत, सानवी हिल मत बेटा, तू बहाने कर भानी करो, सानवी करो। फाउंडर ऑफ मगधा, मगधा वो है, मगधा का जो लास्ट जिससे मगध में रूम किया ना, आपने दनानंदा नाम सुना होगा। दनानंदा कौन? जिसको चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके हराया था, और वहां से पहला किंगडम अशोक का मौर्यन एम्पायर शुरू हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किंग बिंबिसारा फाउंडर थे मगधा के, फर्स्ट एम्परर थे मगधा के 544 BC में। 52 इयर्स इन्होंने रूल किया। ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जिसको आज हम बिहार कहते हैं, बिहार तो ओल्डेस्ट नेम बिहार है। बिहार क्यों? हमने देखा यहाँ पे बुद्धिज्म बड़ा ज्यादा है, भगवान बुद्धा ने यहाँ पे एनलाइटमेंट दी बौद्ध में। और बिहार क्या होता था? बिहार होता था आराम घर, ठीक है। जो भी मॉन्क होते थे बुद्धिज्म के, वो इस जगह में आके या तो तपस्या करते थे, सेटल हो जाते थे केस के अंदर, और उसका नाम क्या पड़ गया? बिहार। फिर जब मुस्लिम्स ने इंडिया पे अटैक किया बिहार में, तो इसका नाम बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया? बिहार। किंग बिंबिसारा एंटर विद मगधा, He ruled 52 years. The king of Magda कहाँ पे? Eastern part of India. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिहार का ओल्डेस्ट नेम क्या है? बिहार।
BIHAR. Gautam Buddha time, Magda was one of the most powerful kingdom under Bimbisara. Magda जो थे कैपिटल इसकी राजगीर, आपके प्रेजेंट डे राजगीर विशाली बिहार. राजगीर में कब आर्यन, राजगीर में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? फर्स्ट कहाँ पे हुई? विशाली. सेकंड विशाली. फर्स्ट फर्स्ट राजगीर में हुई ना? यस मैम. फर्स्ट कब हुई? राजगीर. मैं आज ये दोबारा बुद्धा वाला वीडियो शेयर करूंगी. ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट कहाँ हुई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, थर्ड कहाँ हुई, फोर्थ कहाँ हुई, फिफ्थ और सिक्स्थ कहाँ हुई. फर्स्ट हुई विशाली राजगीर, दूसरी विशाली, तीसरी फोर्थ बर्मा से बर्मा. समीर समझ नहीं आ रहा, आई मन बटक रहा है. बर्मा में भाई चुप. आज समीर का मन बटक क्यों रहा है? बहुत थोड़े काम होंगे यहाँ से बेटा, स्टार्स लेके जाने हैं, नौकरी लेके जानी है. ठीक है, आज इजाज का मन भी नहीं लग रहा, तेरा भी नहीं लग रहा, दोनों की आंखें नहीं बोल रही है. क्यों गर्मी लग रही है? आगे बैठना तो यहाँ, यहाँ बैठना था, ये वाली सीट कोई नहीं बैठता, तू बैठा था. ठीक है, और गर्मी लगी तो आगे बैठो चेयर लेके. एसी भी काम नहीं कर रहे, यहाँ देखो. गौतम बुद्धा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर पर, जो 10 प्लस 2 बाई एनडीए. ठीक है, 10 प्लस 2 में आपको बोल सकते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, उसको एबीसीडी आपको ऑप्शन में आ सकता है. ठीक है, आपने ये चार याद किया, मगर एनडीए सीडीएस एफ कैट सीएचएसएल में डेप्थ में आते हैं. ठीक है, वो यहाँ पे मगधा पावरफुल किंगडम रहा, राजगीर रहा, उसकी कैपिटल रही बिहार, बाद में पाटलिपुत्र. अब पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी किसने बनाई वो भी देखते हैं आगे चलते. ठीक है, अजातशत्रु किसने, अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार. ठीक है, और ये अजातशत्रु आफ्टर बिंबिसार क्या बन गया? मगधा का राजा बन गया. अजातशत्रु ने रूल किया, देखो जब मगधा में द फर्स्ट हरियाणा, हमने यहाँ पे मगधा जो बुद्धिज्म को टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया वो कब किया गया, कौन सी काउंसिल में किया गया? फोर्थ काउंसिल. ठीक है, कब किया गया? वहां पे रमीक देखना क्लियर दिख रहे हैं? बड़ा काला. ठीक है, नहीं बेटा इधर बैठे लग रहा ना. चलो ठीक है, जब हरियाणा हरियंका हरियंका डायनेस्टी द फर्स्ट, ये कौन सी डायनेस्टी से आते थे? बिंदुसारा हरियंका. किससे? हरियंका. एंड द सेकंड जो थी जिसने मगधा में रूल किया, तीन डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी थी? हरियंका, शुशुनागा एंड नंदा. गणानंदा लास्ट था मगधा का रूलर. ठीक है, कौन था ये लिख लो, टेबल बना लो. ठीक है, तीन मगध जो डायनेस्टी थी जिन्होंने मगध पे रूल किया, हरियंका, शिशुनागा एंड नंदा. लिख लो भाई, तुम्हारा पेपर का कोई लेवल नहीं है. RIMS इक्वल टू IAS. ठीक है, या CAT MBA हो सकते हैं. हयंका, शिशुनागा एंड नंदा. और यहाँ जो नदियां बहती हैं वो गंगा और सोन रिवर. गंगा और सोन, सोन आपको इस साल NDA में क्वेश्चन था. सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. ठीक है, फ्लो थ्रू मगधा में, मगधा रिवर गंगा, और इसके जो वेस्ट में सोन नदी बहती है.
मगधाधीशन किंगडम इन बिहार था, बिहार का ऑर्डर है बिहार, और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जाती थी प्राकृत। अब यहाँ देखो पाली लैंग्वेज कौन यूज करते थे, बुद्धा, पाली लैंग्वेज मानिक निकोशन लिख ले, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में भगवान बुद्धा ने जो लैंग्वेज बोली है वो पाली बोलते थे, जैनिज्म बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज, कौन बोलते थे जैन, महावीर प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया करते थे। चांद बरदोई जितने भी यहाँ पे जाएंगे रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। चांद बरदोई में ऋषभ कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, ब्रिज भाषा, कौन सी, ब्रिज भाषा, ब्रिज। अकबरनामा किसमें लिखा गया है, पर्शिया में, पर्शियन में, किसमें, पारसी में, किसमें, पारसी में लिखा गया, ठीक है। और तीसरी जो लैंग्वेज है यहाँ पे किसकी, मगधा की लैंग्वेज कौन सी है, मगध की। टेबल बनाते जाओ, जब नहीं ऐड होती है तब टेबल बनाओ भाई, जब आज एक और लैंग्वेज मगधा की आ गई है तो टेबल बनाओ, मगध, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और कौन सा की, चांद बरदोई में कौन सी लैंग्वेज यूज किया। तो जाके जहां तुजाके नामा, तुजाके क्या था, कल एक बुक पढ़ी ना हमने तुजाके, हाँ तुजाके जहांगीर, ये पारसी में लिखी गई, किसमें, पारसी में। ये सारा डेली क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीट होते हैं, ठीक है। वेरी गुड मुस्कान, प्राकृत की बात कंसीडर ऑफ द वहां बिहार की ये लोकल लैंग्वेज मानी जाती है। आगे देखिए सारा आ जाएंगे, बिंबी सारा जो थे, ये जैन लिटरेचर में इनके बारे में मिलता है। बिंबी सारा का सोर्स ऑफ लिटरेचर क्या है, जैन, ठीक है। और जैनिज्म क्या, कौन सा, श्रीनिका और राजगीर, बिंबी सारा रेफर टू हाल। इनको टाइटल क्या दिया गया है, बिंबी सारा को टाइटल दिया गया है, उस टाइटल को मेंशन कहां पे किया गया है, जैन लिटरेचर में, कहां पे, जैन लिटरेचर, किसमें, जैन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंद नहीं करना है। इसमें 16 जनपदास आते थे, महाजनपदास, कितने, 16 जनपदास कौन होते हैं, जो रूल करते, रूलर्स, जनपदास किनको बोलते हैं, रूलर्स, ठीक है। बिंबिसारा को टाइटल दिया गया श्रीनिका, अच्छा समुद्रगुप्त का टाइटल कवि राजा, कवि राजा, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया वो तो वो एबी स्मिथ ने दिया ना, तो ये जो जो खुद को टाइटल दिए गए हैं महाजनपदास ने खुद को, वो क्या है, कवि राजा। बिंबिसारा का है शर्णिका, लिटरेचर जैनिज्म में मिलता है, और जैन मुनि जमधारा, ठीक है। 24 तीर्थंकरा, आज तक कितने तीर्थंकरा ने, 24, ठीक है। जैसे 10 सिख गुरु हुए उसका जैनिज्म कितने हुए, 24। अजात शत्रु बेटा था किसका, बिंबिसारा, उसका टाइटल है पुनिका, क्या है, पुनिका, लिख लो भाई, पुनिका टाइटल है अजात शत्रु का। और इसको वैधही पुत्र भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वैधही पुत्र। और ये त्रिपाठिका, त्रिपाठिका किसकी होली बुक है, बुद्धिज्म की होली बुक त्रिपाठिका में इनका अजात शत्रु का नाम मिलता है वैधही पुत्र। आज इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कहा जाता था, देवकी पुत्र, रामचंद्र को कौशल्या, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन, ठीक है। इसका मतलब भारत में सभ्यता थी, आज भारत को बोलते थे कि मदर्स का नाम यूज नहीं करते, आपको समझ आना हम कितने एडवांस थे, ठीक है। और सबसे पहले जिसने अपना टाइटल एंशिएंट इंडिया में यूज किया वो था गौतमी पुत्र सत्कर्णी, कौन था, गौतमी पुत्र सत्कर्णी, सत्कर्णी ने अपने नाम से पहले गौतमी पुत्र सत्कर्णी लगाया, ठीक है। अजाशत्रु ने अपना कोनिका, और इसको क्या, वैधेही पुत्र अजाशत्रु कोनिका, इनका मेंशन मिलता है कहाँ पे, की पात का बुद्धि समय, जैन की अगमास, जैन की होली बुक्स कौन सी है, अगमास,
और त्रिपाठिका जो है भूषण तीन। अजात शत्रु का बेटा उद्यन कौन है? उद्यन। इसको उदय भद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदय भद्रा भी। ये अजात शत्रु का, ये हरियंग का, किंग का, ये रूलर सक्सेसर था अजात शत्रु का, और पाटलिपुत्र इसने बनाया। ठीक है, जो आज पाटलिपुत्र बना है वो किसने बनाई थी? उदय भद्रा ने। सब दोस्त अशोका ने नहीं बनाई, अशोका ने नहीं बनाई, किसने बनाई? पाटलिपुत्र। ये भी वही सोन एंड गंगा। अब आपसे क्वेश्चन, जब मगधा था कौन सी यूनिवर्सिटी? कल आप करके आओ दो। ठीक है, मगधा के लोग तक्षशिला में पढ़ते थे कि नालंदा में पढ़ते? ठीक है, और लास्ट हरियंका डायनेस्टी के रूलर कौन थे? वो मुंडा का सन था, नागिदा साका। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं खत्म। अब ऑर्गेनाइजेशन बाल, बाबा एटॉमिक रिसर्च, थर्ड क्वेश्चन इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पे है? ये लास्ट क्वेश्चन हम पे सर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल राइस रिसर्च, ये इस साल ये 2023 का पेपर है, आरएमसी का ये पैनल। ठीक है, राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? कटक में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कल में सुनूं भाई भी टेस्ट है, कल मैंने पहले टेस्ट देना। सदनगर इंडियन कैंसर रिसर्च मुंबई, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आएंगे भाई लखनऊ। जिसका मैंने पढ़ाया ना, फिर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आता ही आता है। जब मैंने आप जो ने पुराने भी बैठे हैं उनको पता, मैंने नहीं पढ़ाया, आएगा। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल स्कूल ऑफ माइंड धनबाद, विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च राजस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑटोमेटिकल इंजीनियर ये राजस्थान में होना चाहिए, दिल्ली। क्या है? ये एक ही लिखा है, किस्मत आपकी अच्छी है, बच गए हो, दूसरी खिड़की आई डिलीट होगी। ठीक है, कल हम ट्राइबल्स पढ़ेंगे और साथ एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अपनी जगह से कोई भी नहीं उठेगा।